हाँ ये तो बैंक में कहीं है, बैंक में लगा दूँ, बैंक पासबुक का एसबी कोड लाओ बैंक का लगा दूँ। तो इससे कुछ होगा तो नहीं? पर अपने अप क्या पों पों करा करते हैं, रहे नीम नीम बोल ना, जा अलग बात कर दिया, चल ले जाओ वहाँ दुकान पर करो। 1 लाख रुपए का कवरेज चाहिए, 5 लाख का चाहिए, दिवाकर जी 10 लाख का चाहिए, 15 लाख का चाहिए। अच्छा जब हाँ जब अकाउंट हम पर लग जी। जब हमारे वो होगी डेथ तो कितना मिलेगा? सर डेथ की वजह से नहीं, आपको जब आपको हॉस्पिटलाइजेशन हो, आपकी हॉस्पिटलाइजेशन इमा आवाज कहाँ तेज हुआ था ये बताओ। रुको आवाज तेज कर लें, इतनी स्लो आवाज है। हाँ बताइए सर। हेलो क्या? हाँ बताइए सर। अभी जी 682 आप अस्पताल में कभी भर्ती होते ना सर? हाँ हाँ तो जितना भी आपका कवर अमाउंट पैसा आता है सर, आपको तो मालूम है सर अस्पताल में कितना बिल आता है। हाँ हाँ तो सर वो जो बिल आता है ना, वो आप क्लेम करेंगे ना तो आप कंपनी को पे करती है सर। हाँ हम वो सेल करते हैं सर, अभी आप समझे मेरी हाँ बात। तो हमको कितना पैसा देना पड़ेगा? तो आपको सर मैं पहले मैं बताना चाहूंगा सर, आप इंश्योरेंस जो ले रहे हैं आप सिर्फ अपने लिए लेंगे कि फैमिली लेंगे सर? फैमिली के लिए नहीं लेंगे, सिर्फ अपने लिए लेंगे सर। हाँ हाँ तो आपको मैं कितने लाख का आपको कितने लाख से शुरू है? 5 लाख से स्टार्टिंग है सर। 2 लाख से नहीं है? 2 लाख 3 लाख का है, लेकिन सर वो फिर सरकारी है तो उसमें भी आपको उतना अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। फिर आप कॉल करके आप मुझे बोलोगे शोएब सर आपने कैसा बता दिया, यहाँ तो सरकारी है, यहाँ तो अच्छा ट्रीटमेंट ही नहीं मिल रहा मेरे को। उससे अच्छा है कि आप 5 लाख वाला लीजिए, अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल पे अपना अस्पताल में इलाज कराइए, बिल आएगा आपको कंपनी पे करके देगी, उसमें क्या दिक्कत है सर? 5 लाख रुपए वाला? हाँ तो कितने रुपए पड़ेंगे? तो सर मैं बस आपका हेल्थ, आपका जो प्लान का नाम है ना सर, हाँ उसका नाम है हेल्थ केयर, हेल्थ केयर। हाँ हेल्थ केयर, हेल्थ केयर, CAIN केयर। हाँ 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 हेल्थ केयर। हाँ हाँ तो मैं जान दिवाकर जी आपकी जन्म की तारीख क्या थी दिवाकर जी? दिवाकर जी हेलो सर, 1/1/2001 है, देख कर बताए। हाँ दिवाकर जी 1/1/2001 1/1/2001। हाँ समझ गया दिवाकर जी, मैं को 1/1/2001 जनवरी 1 तारीख 2001 में आपकी जन्म तारीख है। हाँ ठीक है सर। तो दिवाकर जी मैं जैसे कि जान बताना चाहूंगा सर, आपको कभी भी पास्ट में कोई ऐसी बीमारी वगैरह हुई थी जिसकी वजह से आपको हॉस्पिटलाइजेशन हुआ था, या कोई भी ऐसी कोई आपको बीमारी जिसकी वजह से आप मेडिकल से या कोई भी मेडिसिन कंज्यूम कर रहे सर, या डॉक्टर के पास जाते अपने इलाज के लिए सर? हाँ नहीं गए ना, हमारे नहीं कोई गंभीर बीमारी अभी आई ही नहीं। हाँ तो कैसा ना, मैं इसलिए आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि अगर आपको कभी भी ऐसा होता है ना सर, तो हम इसलिए पूछते हैं क्योंकि प्री एग्जिस्टिंग डिजीज जो होती है, जो पहले से बीमारी हुई रहती है पॉलिसी होल्डर को, उसके लिए जो वेटिंग पीरियड रहता है ना थोड़ा ज्यादा रहता है, इसलिए मैं आपको बता रहा। अभी कल को अगर आपने मुझे प्री एग्जिस्टिंग डिजीज नहीं बताया और कल को आपको कुछ आपकी बीमारी आपने उसके लिए क्लेम किया, तो आपको क्लेम नहीं मिलता है सर, क्योंकि ये हमारा बताना फर्ज है सर, क्योंकि आपको भी कस्टमर को भी जानना चाहिए कि उसको कोई भी गलत जानकारी नहीं प्रोवाइड करे कंपनी को, वरना उसका ही लॉस होता है सर। तो